नमस्कार दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, यह आयल फिल समर्सिबल है 1 HP का, जिंदल कंपनी का। दोस्तों इसमें समस्या आया है, वीडियो बनाने का परिपथ यह है कि आपको आयल व वाटर फिल्ड में डिफरेंस क्या है आपको बता सकें। दोस्तों जब भी आप वाटर और आयल परचेस कर रहे हैं तो लगभग कुछ पैसे का अंतर होता है, क्योंकि यह आयल फील्ड सस्ता व वाटर फील्ड महंगा मिलता है। समस्या इसमें दोस्तों है कि इसमें जरा सा भी पानी चला गया, देख पा रहे हैं, जिससे कि आपको इस बुश के ऊपर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रबड़ के ऊपर, वाटर सील इसे करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पानी दिख रहा है, तो पानी जाने की वजह से इसमें तुरंत फॉल्ट हो जाता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं ये कनेक्शन कट गया था, बाहर से चेक करने पर बॉडी अर्थ भी नहीं बता रहा था और यहाँ पे कटा हुआ था। और एक आप देख पाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कटा हुआ है। तो अभी यही समस्या होता है इसमें, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, और यदि आप वाटर फिल्ड का समय उपयोग करते हैं उसमें मेंटेनेंस कम आता है। यही अंतर है वाटर व आयल में। तो कभी भी आप परचेस करें तो वाटर फिल्ड ही परचेस करें, और ज़्यादातर तो ब्रांडेड मोटर का ही प्रयोग करें। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अभी क्षेत्र में टॉप टॉप जिंदल ब्रांड ही है। आप किस तरफ कौन सी कंपनी का चल रहा है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देख सकते हैं आप, ये हमारे गुरु हैं जिनके द्वारा हमने सीखा। अभी यह सिंगल फेस 5 HP लोडर मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं, क्रॉम्पटन कंपनी का। ये हमारे नागेश भाई, और इनका एक हार्डवेयर की दुकान है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।